विघ्नहर्ता श्री गणेश श्री गणेश श्री गणेश ऐसा आक्रमण है भंडासुर जो सत्कार का भी रूप ले रहा है। नहीं, मेरे अस्त्र पुष्प नहीं बन सकते। माता आपकी महिमा अपार है। प्रणाम माता। तुम इसके योग्य तो नहीं, किंतु तुम्हारी पुत्री की विनती पर मैं तुम्हें ये अंतिम अवसर दे रही हूँ। धर्म का ज्ञान तो तुम्हें अभी भी है, अब अपने चलता है के भाव को छोड़कर उसे स्वीकार करो। क्षमा चाहते तो अब अपने ही हाथों से अपने इन सभी विकारों का नाश कर। यदि तुम धर्म के पथ पर चलने का वचन दोगे तो तुम अभी भी मेरी क्षमा के पात्र बनोगे। तुम क्षमा करोगी मुझे? तुम नहीं चाहिए मुझे कोई क्षमा। क्षमा याचना करने नहीं, तुमसे युद्ध करने आया हूं मैं। हार मालाओं से नहीं, अपने भयंकर अस्त्रों से तुम्हारा स्वागत करूंगा और अंत करूंगा तुम्हारा, तुम्हारी सेना का और तुम्हारी सृष्टि का। अब तुमने अपने जीवित रहने का अंतिम अवसर भी गवा दिया है भंडासुर। इस अनावश्यक युद्ध में अपने विकारों के कारण अपने प्रियजनों को खोया है तुमने, फिर भी तुम्हें अपने विकार ही प्रिय है भंडासुर। मूर्खता की पराकाष्ठा है ये। ना कोई ज्ञान, ना कोई उपदेश, कुछ नहीं सुनना है मुझे। गुरु शुक्राचार्य गणेश जी और मेरी पुत्री करते होंगे तुम्हारी पूजा, मानते होंगे तुम्हें देवियों की देवी, तो मानते हैं मुझे क्या? क्योंकि अब मैं देवियों की देवी, संपूर्ण ब्रह्मांड की देवी के विरुद्ध में सभी ब्रह्मांडों के सर्वशक्ति का प्रयोग कर तुम्हें पराजित करूंगा, तुम्हें पराजित करूंगा। ब्रह्मांडास्त्र विनाश काले विपरीत बुद्धि। प्रकट हो।
पशुपतास्त्र एक ओर भंडासुर ने ब्रह्मांड अस्त्र का आवाहन किया है जिसमें सभी ब्रह्मांडों की ऊर्जा समाहित हो जाती है, वहीं दूसरी ओर माता ने पाशुपतास्त्र का जिसमें सृष्टि के सभी प्राणियों की ऊर्जा समाहित है। यदि इन दोनों का टकराव हुआ तो महाविनाशी विध्वंस होगा। देवियों की देवी ज्ञात है मुझे, पाशुपतास्त्र में सभी जीवों की ऊर्जा है, किंतु तुम्हारा ये अस्त्र ब्रह्मांड अस्त्र का सामना कैसे करेगा जिसमें सभी ब्रह्मांडों की सभी ग्रहों की ऊर्जा है। भंडासुर, तुम्हारा दम अभी भी तुम्हें भ्रमित कर रहा है, बहुत विश्वास है ना तुम्हें अपने अस्त्रों पर? तो फिर उचित मैं तुम्हें वचन देती हूँ, तुम्हारे अस्त्र के प्रयोग के बाद ही मैं अपने अस्त्र का प्रयोग करूंगा। शांत क्यों है, भयभीत क्यों नहीं है? ये ना आक्रमण करने जा रही हैं, ना ही अपनी रक्षा करने की तैयारी कर रही हैं। कदाचित इन्हें ज्ञात ही नहीं मेरे अस्त्र का सामना ये कैसे कर सकेंगी। इस देवी ने अपना मुख क्यों खोल लिया? ते कुल सुंदरी नित्य नील पताके विजये सर्व मंगले ज्वाला मालिनी चित्रे महामित्रे परमेश्वर परमेश्वरी मित्रे। ये क्या हो रहा है? मेरे ब्रह्मांड अस्त्र इस देवी के मुख की ओर क्यों बढ़े जा रहे हैं? मूर्ख ही नहीं महामूर्ख हो तुम भंडासुर। माता संपूर्ण ब्रह्मांड की जननी है, इस महाब्रह्मांड का प्रत्येक कण उनसे ही उत्पन्न हुआ है और तुम उनके विरुद्ध उनकी ही ऊर्जा का प्रयोग कर रहे थे। क्या तो अब भंडासुर करवाएगा? कितनी अपार शक्ति है मुझ में। अब मेरे कोप का सामना कर और अपने विकारों के अंत के लिए तैयार हो जाओ भंडासुर। मैं इस पाशुपतास्त्र का अंत करूंगा।
ये अस्त्र मेरे अस्त्र का सामना नहीं कर सकेगा। रश्मि प्रभा, प्राण हरो, जय ललिता जयकार तेरी, अब भंडा सुर संहार करो। माता पराशक्ति की जय। 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 सुरकान इतनी सरलता से नहीं होगा। माता के अस्त्र प्रहार के उपरांत ये पुनः जागृत कैसे हो गया? मत भूलो कि मैंने सहस्त्रों वर्षों तक महादेव की आराधना की है, तो मेरे इष्ट का अस्त्र भला मुझे कैसे हानि पहुंचाता? देखो, व्यर्थ हो गया ना ये तुम्हारा पाशुपतास्त्र। इस ब्रह्मांड का ही नहीं, महाब्रह्मांड का भी प्रत्येक कण मेरी ही इच्छा से गतिमान होता है। जो हो चुका, जो हो रहा और भविष्य में जो भी होगा, मेरी लीला से ही होगा मूर्ख भंडासुर। किंतु ये तुम कदापि नहीं समझ सकोगे कि मेरी लीला कभी भी व्यर्थ नहीं होती। देखो भंडासुर, तुम्हारे जिन विकारों पर ये अस्त्र केंद्रित वो सभी नष्ट हो चुके हैं और अब तुम केवल अकेले खड़े हो। दुर्गमा दुर्गमा लोका दुर्गमात्म स्वरूपिणी, दुर्ग मार्ग प्रदा दुर्गम विद्या दुर्गमाश्रिता, मेरे विकार दुर्गम ज्ञान संस्थान वो कहाँ गए? ज्ञान वासिनी फिर जागृत हो जाओ, मेरे विकारों मुझे शक्ति दो, फिर से जागृत हो जाओ मेरे विकारों, जागृत हो जाओ मेरे विकारों। जिन विकारों से तुम शक्ति पाते थे और तुम्हारा असुरी महाअस्त्र सभी नष्ट हो चुका है भंडासुर, अब तुम उन्हें कभी भी पुनर्जागृत नहीं कर सकोगे। मेरा अस्त्र बिखर कैसे गया? कोई बात नहीं, चलता है। एक तुच्छ से युद्ध में इतना तो चलता है, क्योंकि सत्य तो ये है कि मुझे ना कोई अस्त्र की आवश्यकता है और ना ही किसी विकार की, क्योंकि मैं भंडासुर स्वयं ऐसा महाविकार हूं जो संपूर्ण संसार को अपना क्रास बना सकता है। भंडासुर स्वयं ऐसा अस्त्र है जो समस्त जगत को भस्म कर सकता है, चाहे तुम ब्रह्मास्त्र या नारायण अस्त्र का प्रयोग करो, सब के सब विफल होंगे भंडासुर के सामने। तो आगे बढ़ो और प्रयोग करो अपने अस्त्र का, प्रयोग करो अपने अस्त्र का। पिताश्री अभी भी क्यों नहीं समझ रहा? माता उन्हें कैसे क्षमा करेगी गणेश जी? वो माता के क्षमा का पात्र नहीं है, वो अपने बल के अहंकार में चूर है और उसकी बुद्धि भी क्षीण हो चुकी है। तुम्हारे सभी विकार मिट गए,
किंतु उन विकारों से तुम्हारा लगाव समाप्त नहीं हुआ है। तुम्हारे पूर्व कर्मों की वासना अभी भी तुम्हारे भीतर है। देखो नहीं देवी, प्रयोग करो मुझ पर, एक नहीं अनेकों अस्त्रों का प्रयोग करो। तुम नहीं करोगी तो मैं करूंगा। तीनों त्रिदेवों का महास्त्र तुम्हारे विरुद्ध। अब तुम तैयार हो जाओ। ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और रुद्रास्त्र का सामना करने के लिए। ब्रह्मास्त्र, नारायणास्त्र और रुद्रास्त्र प्रकट हो। भंडासुर मंत्रोच्चारण कर उचित विधि से इन अस्त्रों का आवाहन कर रहा है, इसलिए त्रिदेव भी उन्हें रोकने में अक्षम होंगे। यदि ये त्रिदेव अस्त्रों को माता के विरुद्ध प्रयोग करेगा तो कदाचित माता उनका मान रखने के लिए उनके वार सहन कर लेंगी, उनसे अपनी रक्षा नहीं करेंगी। हे माता, इसके पहले कि वो तीनों त्रिदेव अस्त्रों को जागृत करे, आप उसे रोक दीजिए। हमें ज्ञात है माता, यदि ये अस्त्र जागृत हो गए तो आप ना आक्रमण करेंगी ना ही अपनी रक्षा। सहस्रों वर्षों महादेव की आराधना की है इसे, जिसका अब ये लाभ उठाना चाहता, किंतु ये भूल गया कि महादेव की अनुचित आराधना कर इसने उनका अपमान किया और उनके साथ महादेव पुत्र प्रथम पूज्य विघ्नहर्ता गणेश का भी अपमान किया और उससे भी अधिक प्रभु महाशिव की अर्धांगिनी के विरुद्ध खड़ा हुआ है। इसलिए आज इस अपराधों का दंड महाशिव के उस अस्त्र से प्राप्त होगा जिसके आवाहन करने का सामर्थ्य आज तक किसी में नहीं था। वो महाशिव अस्त्र जिसे आज तक किसी ने भी नहीं देखा, उसका प्रयोग करूंगी मैं। महाकामेश्वर अस्त्र, महाकामेश्वर अस्त्र। हे महाकामेश्वर, मुझे महाकामेश्वर अस्त्र प्रदान करें, मुझे महाकामेश्वर अस्त्र प्रदान करें। ओम महाकामेश्वर अस्त्र। श्री माता ललिता ने उस महाकामेश्वर अस्त्र का आवाहन किया है जो सहस्त्रों ब्रह्मास्त्रों, नारायण और रुद्र अस्त्रों से भी अधिक शक्तिशाली है। महाकामेश्वर अस्त्र। भंडासुर के अस्त्र पूर्णता प्राप्त करने की ओर है और वहां प्रभु ने महाकामेश्वर अस्त्र को जागृत किया है, किंतु उस अस्त्र को वहां से श्री माता ललिता तक पहुंचाने का सामर्थ्य किसमें है? क्योंकि जिसमें महादेव के समान सामर्थ्य होगा वही प्रभु महाशिव के इस बाण को उठा सकेगा। नंदी जी, यदि वो महादेव के भार का वहन कर सकते हैं तो वो प्रभु महाशिव के अस्त्र को भी महाब्रह्मांड से माता तक अवश्य पहुंचा सकते हैं। किंतु गणेश, नंदी जी को ये भंडासुर के अस्त्र को पूर्णता पाने के पहले ही करना होगा। नंदी जी, नंदी जी, नंदी जी, एकमात्र आप ही महाकामेश्वर अस्त्र को प्रभु महाशिव से माता तक पहुँचा सकते हैं।
आज्ञा प्रभु। प्रणाम माता। प्रणाम प्रभु। भंडासुर का अस्त्र किसी भी समय पूर्णता प्राप्त कर सकता है। हमारे पास बहुत ही अल्प समय है, पर मुझे विश्वास है कि नंदी जी समय रहते महाकामेश्वर अस्त्र को यहाँ ले आएंगे। विकार ग्रस्त व्यक्ति का विवेक पूर्णतः नष्ट हो जाता है और वह स्वयं अपने कल्याण के सभी मार्ग बंद कर लेता है।